दोस्तों, मैं हूँ आरजे खुशी और आप सुन रहे हो कहानी अर्पिता और संजय की। मित्तल हाउस में किसी का चेहरा अभी भी चिढ़ा हुआ लग रहा था। अनन्या नौकर के साथ आंगन में खेल रही थी, तभी संजय ने अर्पिता को स्टडी रूम में बुलाया। अर्पिता को डर था कि अनन्या की बात सुनकर संजय कुछ से जलन हो रही थी और कहीं वो उसकी जान ही ना ले ले। ऐसा सोचते हुए अर्पिता बहुत ध्यान से उसके पीछे पीछे गई। जिन लोगों को मैंने भेजा था उनके पास से कुछ खबर आई है, संजय ने टेबल की तरफ जाते हुए कहा और अपना चेहरा ऊपर उठाया। अर्पिता ये सुनकर हैरान थी। जल्दी ही वो होश में आई। वो तेजी से आगे बढ़ी और अपने दोनों हाथ टेबल पर रखकर खड़ी हो गई। क्या आप कह रहे हैं कि मिस्टर जॉनसन से बात हो गई? ये सच में बहुत जल्दी था। ये आदमी क्या क्या कर सकता था कोई नहीं जानता था। संजय ने अर्पिता की तरफ देखा। उसे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि अर्पिता उसकी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे वो उसकी पूजा कर रही हो। इस बार उसका अपने आदमियों को काम पर लगाना बेकार नहीं गया। संजय ने अपना कोट एक तरफ रख दिया, फिर वो अपना कंप्यूटर ऑन करने लगा और उसने वो ईमेल खोली जो अभी अभी आई थी। इसके बाद वो चलता हुआ अर्पिता की तरफ गया। मिस्टर जॉनसन के स्टूडियो में उनके एम्प्लॉयज ने कुछ खराब खाना खा लिया था और उन सबको फूड पॉइजनिंग हो गई। उन सबको कल दोपहर एक साथ हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। संजय ने अपने पतले होंठ खोलते हुए कहा, फूड पॉइजनिंग? क्या बहुत सीरियस बात है? क्या मिस्टर जॉनसन और बाकी सब ठीक है? अर्पिता ने जैसे ही ये सुना उसके चेहरे पर चिंता छा गई। मैं जानती थी मिस्टर जॉनसन कभी भी बिना किसी ठोस रीजन के अपने काम की समय सीमा नहीं तोड़ेंगे। वो एक ऐसे इंसान है जिन्हें अपनी जुबान की बहुत कीमत है। अगर बात इतनी सीरियस नहीं होती तो वो हमें जरूर कॉन्टेक्ट करते। संजय अपनी गहरी आंखों से अर्पिता के चिंता से भरे चेहरे को देखता हुआ उसकी बातें सुन रहा था। मिस्टर जॉनसन से कॉन्टेक्ट करने के बाद पहली चीज जो उसके दिमाग में आई वो डिजाइन के ब्लूप्रिंट के बारे में नहीं थी, बल्कि वो मिस्टर जॉनसन और उनके स्टूडियोज के एम्प्लॉयज की सेहत के बारे में सोचकर परेशान थी। सच में वो सबसे अलग थी। मिस्टर संजय, जैसे आपने पता लगाया कि उन सबको फूड पॉइजनिंग हो गई थी, तो क्या आप उनके अभी के हालात के बारे में कुछ पता लगा सकते हैं? अर्पिता तेजी से संजय की तरफ गई और उनकी बांह पकड़कर बोली, अगर हल्की फुल्की फूड पॉइजनिंग हो तो दवा देकर उन्हें ठीक किया जा सकता था और थोड़ा आराम करने के बाद उन्हें होश में आ जाना चाहिए था और हमसे कांटेक्ट करना चाहिए था, पर मुझे लगता है हालत कुछ ज्यादा ही खराब है क्योंकि मिस्टर जॉनसन ने अभी तक हमसे बात करने के लिए किसी को भी नहीं भेजा, और तो और पूरे स्टूडियो को एक साथ फूड पॉइजनिंग हो गई। अगर उनमें से एक भी होश में होता तो ऐसा नामुमकिन था कि उनके दिमाग में मित्तल कॉर्पोरेशन से कांटेक्ट करने का ख्याल भी नहीं आता। दोनों पार्टियों ने कोलैबोरेशन के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की पेनाल्टी की रकम काफी ज्यादा थी। संजय ने उसे तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने अपना सिर नीचे किया और अर्पिता के हाथ को घूरने लगा जिसने उसकी बाजू को पकड़ा हुआ था। वो बहुत परेशान थी। उसने संजय की बाजू काफी जोर से पकड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे संजय के सहारे की जरूरत थी। संजय की धड़कन तेज होने लगी जैसे कोई बिजली का करंट उसके दिल के पार हो रहा हो। उसका मन कर रहा था कि वो अर्पिता के सिर पर हाथ रखे और उसे समझाए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो चाहता था कि वो अर्पिता को अपने गले लगाए और उसे कहे कि वो बिल्कुल चिंता ना करे। मिस्टर संजय, मिस्टर संजय। अर्पिता संजय की तरफ देखती हुई बोली। जब उसे कोई जवाब नहीं मिला, जब उसने संजय को उसके हाथ को घूरते हुए देखा, तब उसे एहसास हुआ कि वो इतनी देर से उसके बाजू पकड़कर खड़ी थी। उसने तुरंत अपने हाथ पीछे कर दिए। मैं आपका फायदा नहीं उठा रही थी, मैं बहुत परेशान थी। संजय ने उसे सिर्फ देखा पर उसने कुछ कहा नहीं। काफी देर बाद वो बोला, मैंने पहले ही किसी को मिस्टर जॉनसन को देखने के लिए हॉस्पिटल भेज दिया है। हमें जल्दी उनके बारे में कुछ खबर मिल जाएगी। संजय अपनी बात कहकर कुर्सी पर बैठ गया। वो अनजाने में ही अपने माथे को मलने लगा। उसने अपनी भौहें तिरछी करते हुए कहा, तुम अभी तक वहाँ क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ और अपना ब्याज चुकता करो। अर्पिता हैरान खड़ी उसको देख रही थी। कितना दुष्ट साहूकार है वो। बहुत ही लालची और भूखा है। जैसे ही उसे मौका मिलता है वो उससे अपनी गुलामी करवाने लगता है। अर्पिता मन में ये सब सोच रही थी। हालांकि अब तक मिस्टर जॉनसन के बारे में कोई और खबर नहीं आई थी तो उसे जबरदस्ती अपने बड़े साहूकार की सेवा करनी ही पड़ती। अर्पिता ने अपनी आंखें चढ़ाई और उसकी सीट के पीछे चली गई। वो उसके माथे पर मसाज करने ही वाली थी तभी संजय ने उसकी कलाई पकड़ ली। उसके हाथ में अलग ही गर्मी थी। संजय का बड़ा हाथ अर्पिता के हाथ को पूरी तरह ढक रहा था। अर्पिता उसके हाथ को हटा ही नहीं पाई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो जाल में फंस गई हो। वो कुछ देर तक उसके हाथ को देखती रही। उसका गला सूख गया पर वो कुछ नहीं कर पा रही थी।
फिर उसने देखा कि संजय ने अपने कंधों पर अर्पिता के हाथ रख दिए और बोला, मेरे कंधों में दर्द हो रहा है, मुझे यहाँ मसाज करो। अच्छा, तो ये मसाज करने के लिए था, इसके लिए तो बोला भी जा सकता था। उसने बिना मतलब के उसका हाथ क्यों पकड़ा? क्या किसी अप्सरा के हाथ कोई भी ऐसे पकड़ सकता था? उसके ऐसा करने से अर्पिता इतनी चिढ़ गई थी कि वो संजय से पूछने ही वाली थी कि क्या वो उसे पसंद करता था। अर्पिता मन ही मन में बड़बड़ा रही थी। स्टडी रूम में बहुत शांति थी, वहाँ उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। खिड़की से हल्की हल्की हवा आ रही थी, पर्दे धीरे से लहरा रहे थे और सुंदर धूप अंदर आ रही थी। शाम के सूरज की केसरी किरणें उसके तराशे हुए सुंदर चेहरे पर पड़ रही थी और संजय की शख्सियत को और भी उभार रही थी। उसके बाल इतने सुंदर लग रहे थे कि कोई भी उन्हें देखकर खुद को उन्हें छूने से रोक नहीं पाता। संजय ने अपनी आंखें बंद की हुई थी, वो आराम से बैठा हुआ था। उसे पता ही नहीं था कि वो उसे देखने में इतनी खोई हुई थी कि वो भूल ही गई थी कि उसे करना क्या था। स्टडी रूम में सिर्फ उन दोनों की सांसों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद संजय को लगा कि कुछ गड़बड़ थी। उसने आंखें खोलकर अपने आसपास देखा। जैसे ही उन दोनों की आंखें आपस में मिली, अर्पिता बहुत घबरा गई। घबराहट में उसने संजय की आंखें अपने दोनों हाथों से ढक दी और जब उसे समझ आया कि उसने क्या किया था, उसने अपने हाथ वापस खींचे और पीछे हट गई। वो तो उसे सिर्फ देखने के लिए पीछे मुड़ा था। अर्पिता ने ऐसा क्या किया था जो वो इतना घबरा गई? संजय उसकी तरफ शक भरी निगाहों से देखने लगा। तभी फोन की घंटी बजने से उन दोनों के बीच का अजीब माहौल खत्म हुआ। फोन को देखते हुए अर्पिता आगे की तरफ झुकी और उसने संजय से पूछा, क्या आपको मिस्टर जॉनसन के बारे में कोई खबर मिली मिस्टर संजय? संजय ने फोन सुनते हुए अपनी आंखें तीखी कर ली और फोन को स्पीकर पर डाल दिया। दूसरी तरफ से कोई बहुत ही सम्मान के साथ संजय से बात कर रहा था। बॉस, सभी जगह न्यूज फैली हुई है कि मिस्टर जॉनसन के स्टूडियो के लोग फूड पॉइजनिंग से बीमार हैं। हॉस्पिटल में काफी रिपोर्ट्स हैं और मेरे लिए सिर्फ मिस्टर जॉनसन तक पहुंचना आसान नहीं था। हालांकि मुझे बताया गया था कि मिस्टर जॉनसन ने पहले ही मित्तल कॉरपोरेशन के डिजाइन डिपार्टमेंट को इस घटना के बारे में खबर दी थी। ये सुनकर संजय की आंखें अर्पिता की तरफ घूमी। अर्पिता ने अपना सर तेजी से हिलाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, हमें कोई खबर नहीं मिली। अगर डिजाइन डिपार्टमेंट को इसके बारे में कुछ भी पता होता तो वो लोग अर्पिता के पास बार बार नहीं आते। मिस्टर जॉनसन ने अगर कल ही उनसे बात कर ली थी तो उन्हें अभी तक कोई खबर क्यों नहीं मिली? आखिर इस सबके पीछे क्या था? मिस्टर जॉनसन की तबीयत अब कैसी है? क्या मैं उनसे एक मिनट बात कर सकती हूँ? अर्पिता ने जोर से संजय को पकड़ा और उसका फोन अपनी तरफ खींचती हुई बोली। उसकी पतली उंगलियों ने संजय को कसकर पकड़ा हुआ था। दोस्तों, मैं हूँ आरजे खुशी और आप सुन रहे हो अर्पिता और संजय की कहानी। इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए आने वाले एपिसोड्स।